हाय गाइस, दिस इज जयन। मैं आपका स्वागत करता हूँ अलबो टेक के एक और नए एपिसोड में। यार, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एबीटी रॉक्स के सभी मेंबर्स को, क्योंकि हम कल का वॉर फाइनली जीत गए। और एक न्यूज़ उन लोगों के लिए यहाँ पे आती है जो लोगों को एबीटी रॉक्स में आना तो था मगर वो आ नहीं पाए रिक्वायर्ड ट्रॉफीज़ कम होने के कारण, या फिर हो सकता है वो फुलफिल करते हो क्लाइंट की डिमांड्स को मगर क्लाइंट ऑलरेडी पूरा फुल हो तब भी वो नहीं आ पाए। तो यार देखो, ऐसा है कि फाइनली हम 6 नए क्लैन बनाएंगे एबीटी रॉक्स करी, पर मेन यही क्लैन होगा और उन क्लैन से ही हम प्रमोशन देते देते इस क्लैन में लेंगे लोगों को। तो जो फ़िलहाल अभी इस क्लैन में है तो उन लोगों के लिए एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि हो सकता है हम आपको क्लैन से हटा दें अगर आप वॉर में अच्छा काम नहीं करते हैं तो। पर जो अभी अभी सामने क्लैन आएगा वो आएगा आपके एबीटी जूनियर का, और उस क्लैन में बेसिकली सभी होंगे 1 गोल्ड लीग से नीचे वाले लोग, और उस क्लैन में वो स्टे कर सकते हैं। गोल्ड लीग से ऊपर वालों के लिए क्लैन आएगा बाद में, पर फिलहाल तो यही आएगा। जिसके जो ओनर होंगे वो होंगे हल्क, एक्चुअली वो उनके बेस का नाम है, जो आपको सुपीरियर क्लैन में आपको जाके वो मिल जाएंगे। और वो मेरा अकाउंट तो नहीं है मगर वो किसी और का है और वो चलाएंगे उसको। और अगर आपको इसमें आना है तो पहले आपको जूनियर में जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने इस मेन टॉपिक पर। तो देखो, मेन टॉपिक आज का वीडियो का ये है कि जितनी भी ये इंटरनेट पे आपको वेबसाइट्स मिलती हैं कि भैया हाँ आप अपने क्लैन का यूज़र नेम दो और हम आपको जनरेट करेंगे आपके लिए जेम्स को, तो क्या ये सब वर्किंग होती है? तो देखो यार, ऐसा है कि जैसे हम आप ऐसी किसी वेबसाइट पर जाते हो तो अक्सर हमारे कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलती है ऑलमोस्ट सभी अकाउंट्स में। मगर देखो, जैसे कि इस तरह की स्क्रीन खुली, हालांकि मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी वेबसाइट चला रहा हूँ, मगर देखो मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाता। मैं दिखा चुका हूँ कि मैं कौन सी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, मैं इवन अभी भी दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी अकल चलाइए और आपको दिख जाएगा कि मैं फाइनली कौन सी वेबसाइट चला रहा हूँ। तो यार देखो, ये जो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं ये सब वर्किंग नहीं होती, इवन ये भी नहीं है। मगर हमको पता कैसे चलता है कि ये सब वर्किंग है भी नहीं है या नहीं है? मगर देखो, एक बात तो सीधी समझ लो कि कोई भी वेबसाइट हैक कर ही नहीं सकती। पहली पोल लो कि तब खुलती जब यहाँ पे लिखा आता है एंटर यूज़र नेम। अब अगर मैं फाइनल यहाँ पे सर्च करता हूँ यूज़र नेम पे, तो आर्मी ऑफ एक सर्च करने का कुछ सेंस नहीं है। मैं ये सर्च करता हूँ, ये पूरी दुनिया में किसी का भी नाम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब ये किसी की ये नाम किसी का भी नहीं है। ऑल राइट, मैंने अच्छा खासा बड़ा डाल दिया है। और एंड्रॉयड या iOS? ओके, एंड्रॉयड, ठीक है ठीक है। अब हम कनेक्ट पे क्लिक करते हैं फाइनली। तो जब हम कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये ढूंढ रहा है इस प्लेयर को, जबकि ऐसा कोई प्लेयर है ही नहीं। ऑल राइट, सक्सेस, वेरी गुड यार, मुझे उम्मीद नहीं थी। अब सक्सेस हो गया। अब ये बोल रहा है कि जेम्स की अमाउंट वगैरह ढूंढिए। अच्छा ठीक है भाई, जेम्स की अमाउंट ऐसे ही रहने देते हैं इसको जैसा ये है, क्योंकि मुझे हम सभी को पता है। अब पहला हमें पता झूठ तो यही पता चल रहा है कि नाम से, देखो एक नाम के क्लैश ऑफ क्लैंस में लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग। इवन आर्मी ऑफ ए के ही मैंने 6-7 लोग देखे हैं आज तक इंटरनेट पे, डिस्ट्रॉयर नाम के ये तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जो मेरा बेस है वो है द डिस्ट्रॉयर 85। लेकिन आप खाली डिस्ट्रॉयर की वर्ड से सर्च करें तो आपको कई लोग मिलेंगे, खाली काफ़ी बेसिक नाम है जो लोग सोचते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस में करते वक्त। देखो अब हम इस चीज़ को ध्यान से देखना, जब हम जनरेट पर क्लिक करते हैं ऐसी वेबसाइट पर तो ये सब आ जाता है। अब हम नेट बंद कर देते हैं, अपना एक काम करते हैं, ठीक है। मैंने नेट बंद कर दिया अपना, और आप देख सकते हैं ये अभी भी काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। एक्चुअली में ये काम क्यों कर रहा है, ये देख रहे हो, ये अभी भी काम कर रहा है। ये पीछे मतलब जब यहाँ पे ये खाली इतना लोड हो पाया था उतने में तो मैंने नेट बंद ही कर दिया था, लेकिन ये फिर भी इतना इसने काम किया कैसे? तो देखो इस चीज़ को समझो, ये कुछ HTML कोड्स होते हैं, बेसिकली ये इंटरनेट की भाषा होती है। जो भी आपको इस पेज पे दिखता है, इस पेज पे नहीं, वो कोई भी वेबसाइट हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, गूगल हो, HTML के बिना वो नहीं दिख सकता। और ये सब HTML का ही कमाल है। HTML में बस इस पेज को बताया गया है कि आपको बस ये सब शो करना है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है पीछे जो यहाँ पे शो होता है। और जब दूसरी चीज़ हम जहाँ धोखा खाते हैं वो होते हैं कमेंट सेक्शन में। पता नहीं कमेंट सेक्शन में हम क्यों बेवकूफ़ बन जाते हैं यार। देखो ये असली लोग नहीं हैं, ये बिल्कुल भी असली लोग नहीं हैं, ये एक ही बंदे ने सारे कमेंट्स करे हैं, सारे के सारे एक ही बंदे ने कमेंट करे हैं। और इसके बाद हम यहाँ आते हैं, थैंक यू चीफ, होल्ड अप देयर चीफ। ऑल राइट, बिफोर यू जेन्स कॉइंस योर अकाउंट नीड टू वेरीफाई ह्यूमन वेरीफिकेशन।
ठीक है, अभी ह्यूमन वेरिफिकेशन क्या होता है, तो अगर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, या तो कोई वायरस आएगा या फिर कोई एप्लीकेशन का लिंक। अब एप्लीकेशन वाले ने असल में इसको पैसे दिए हैं कि भाई तू एक काम कर, मेरे एप्लीकेशन का लिंक यहाँ डाल दे और मेरे डाउनलोडिंग होंगे और मुझे उससे पैसा मिलेगा बेसिकली, क्योंकि जितनी डाउनलोडिंग होती है उतने ही किसी के भी एड्स आते हैं उसके एप्लीकेशन पे। और ये है ना, गेम ज़्यादातर मैं गारंटी दे सकता हूँ क्लैश ऑफ क्लैन से मिलता जुलता होना चाहिए। अब हो सकता है ये ना हो, ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, हमने डाउनलोड पे भी क्लिक किया। ऑल राइट, अनलॉक दिस पेज टू कंटिन्यू। देख रहे हो ये घुमाता जाएगा। अब कमाल की बात तो यह है, जो पीछे वाला पेज है वो जा चुका है, ये ब्लू व्हेल दी गेम का पेज है, ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से जा चुका है वो पेज, ये दूसरा पेज है। अब हम उसमें कुछ भी करें वो पेज वापस कभी नहीं खुलने वाला। और यार ये वेबसाइट कभी भी वर्किंग नहीं होती, ये हर वेबसाइट में बेसिक चीज़ें यही होती है, हर वेबसाइट में बेसिक चीज़ें वही होती हैं और वही रहेंगी, क्योंकि ये कभी भी वर्किंग हो ही नहीं सकती। क्लैश ऑफ क्लैन के सर्वर हैकेबल नहीं है, इनफैक्ट मैंने भी कई बार ट्राई किए हैं सर्वर्स को हैक करने की, इन वेबसाइट के थ्रू नहीं सीधा सर्वर में घुसने की, यार वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ हैकिंग के बारे में और ये सब नहीं है पॉसिबल बिल्कुल भी। तो बेसिकली यार इन सब में पचड़ों में मत पड़ो बिल्कुल।